पारस ने कुछ कमेंट किया था शिनाज पे, यू नो शी इज पेइंग मनी. सिद्धार्थ एंड सिद्धार्थ लेफ्ट द शो ऑन हिज ओन चॉइस, ही वाज नेवर रिमूव्ड फ्रॉम द शो. सो कि सिद्धार्थ ने एग्जैक्टली अपने किसी भी रिलेशनशिप के बारे का फायदा नहीं उठाया, उसको गेम में नहीं लेकर आया. एवरी शो नीड द मंत्र, एवरी शो नीड द हीरो एंड द पारस वैम्पायर. मंत्रा है. और आकांक्षा अगर अकाउंट्स निकाल के बैठ जाए आपके मुंशी प्रेमचंद, तो आपको पता नहीं कितने देने. यू नो यू आर जस्ट पुटिंग दैट ब्लेम ऑन शिनाज बिकॉज़ शी इज साइलेंट. फॉर सच पीपल जो पारस के फैंस हैं, कि पारस में फैन होने वाला है क्या? अब पूछता है बहुत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो भाई एग्जैक्ट कितना भी पैसा लो, अंगूरी जितने भी खट्टे हो खम्बा नोचे. यू नो फाइल वाइल यू हैव डन अ लॉट ऑलरेडी एंड यू नो, पर मैंने हाउ आई केम टू नो अबाउट यू, आई हर्ड पीपल वर टॉकिंग अबाउट वर्षा एंड दे वर कनेक्टिंग यू विद पारस, दे वर कनेक्टिंग यू विद पारस रश्मि से भी तो ब्रदर. कनेक्ट क्यों किया जा रहा है? पारस मेरा एक्स बॉयफ्रेंड नहीं है. यहाँ पे किसी ने अभी लिखा पारस इज योर एक्स. नो ही इज नॉट माय एक्स, ही वाज जस्ट अ फ्रेंड ऑफ माइन. लीव द कमेंट्स अभी, यू नो डोंट रीड द कमेंट्स, बिकॉज जब कमेंट्स पढ़ोगे ना तो हमारा डिस्कशन नहीं हो पाएगा, बिकॉज कमेंट्स में लोग कुछ भी बोलेंगे. एंड यू नो स्पेशली होते हैं ना कुछ लोग टारगेट बना के आता है कि यू नो लाइव चैट को स्वे करना है, तो लेट्स आई नॉट नो गो देयर. लाइक यू नो देयर आर सर्टेन पीपल, देयर सेलिब्रिटीज, दे हैव मेड फेक आईडीज एंड वो जाके ऐसे कमेंट्स करते रहते हैं बेवकूफों की तरह से. आई नो, इनफैक्ट यू वोंट बिलीव समथिंग वेरी फनी हैपेंड. सो मैं जैसे आपने बोला आई एम क्वाइट ब्लंट इन माय वीडियोस आल्सो, तो आई डिड अ वीडियो और कुछ लोग यू नो छोटे मोटे टीवी एक्टर्स एक्ट्रेसेस दे आर थ्रेटनिंग कि भाई हम लोग नोटिस भेज देंगे हम लोग. तो मुझे ये समझ नहीं आता, मुझे इतना फनी लगता है कि आप कुछ भी बोलो सोशल मीडिया पे वो चलता है, पर आप भी कोई मतलब आपको एक्सपोज कर दे, आपकी धज्जियां उड़ा दे, तो आपको तो बहुत प्रॉब्लम हो जाए. Yeah, if they are roasting is fine. If we come and roast them, it's bad. They keep bullying everyone around. That is fine. So it's very sad. It's funny as well. Yeah, and I feel you know, pity for such people jo Paras ke fans hain. Ki Paras mein fan hone wala hai kya? I feel pity, like you know, kind of. Uska fan koi kaise ho sakta hai? Yeah, a fan hai. Dekhe, kahi log hai, and you know, I don't want to bring another controversy in this discussion, but there are a lot of people jo ki jinka content hi gaali hai. To wo gaali hi dekhe social media pe. Unke bhi bahut sare fans, millions, millions mein fans. To yeah. That is what you know. The youth is maybe you know finding swag in. जैसे cigarette, कई लोग cigarette पकड़ के swag feel करते हैं, तो कई लोग गाली देके swag feel करते हैं, तो कई लोग ऐसे you know लोगों से प्रभावित होते हैं और फिर swag feel करते हैं. तो you can't help it. World is binding. So अच्छा, I'll move on to a different thing. So I want to know from you. अभी you know जैसे हम बात कर ही रहे हैं that you know there are some people जिनको reality check अभी भी नहीं मिला. I thought मिल जाना चाहिए. And they're still saying, for example, Paras ने कुछ comment किया था शिनाज पे that you know she is paying money. तो मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि शहनाज ने भी उतने पैसे कमाए हैं, वो बहुत रातों रात बहुत अमीर तो बन नहीं गई, पारस ने भी उतने ही पैसे कमाए, इनफैक्ट पारस तो 10 लाख का ब्रीफकेस भी लेकर आया. तो अगर पैसों से ही आपको टूल करवाना होता है, तो आई एम श्योर जितना पारस ने अंदर बोला है उससे ज्यादा तो बाहर वो पैसे देकर करवा देता. तो व्हाट डू यू थिंक? आई फील दैट कुछ बोलने के लिए नहीं है, तो मतलब यू नो यू आर जस्ट पुटिंग दैट ब्लेम ऑन शहनाज बिकॉज शी इज साइलेंट एंड शी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, सो यू जस्ट से एनीथिंग. व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? बिकॉज सी, अगर वो घर के अंदर थी तो शी वॉज ट्रेंडिंग ऑन नंबर वन ऑन ट्विटर एंड सिद्धार्थ ऑल्सो. तो घर के अंदर से तो पैसे किसी को दे नहीं सकती थी, तो तब वो कैसे ट्रेंडिंग थी? और आज की डेट में देखा जाए तो उनके ट्वीट इतना सारा कोई कैसे अफोर्ड कर सकता है? यार ये जो आपके आपकी जो एक्सप्लेनेशन है ना, मुझे बड़ी अच्छी लग रही है वर्षा, बिकॉज यू नो नॉर्मली दिस इज मी, दैट्स हाउ आई टॉक एंड आई एम फाइंडिंग इट सो इंटरेस्टिंग. यू नो व्हाट यू आर सेइंग इज एक्चुअली लॉजिकली वेरी ट्रू, बिकॉज यू नो द थिंग इज कि अंदर रह के जब एक इंसान आसिम आसिम का अकाउंट नहीं था, आसिम वाज लाइक मैंने खुद उनका फर्स्ट डे पे अकाउंट देखा था, उनके अराउंड 10,000 या 11,000 फॉलोअर्स ही थे सिर्फ, एंड इट केम आउट टू बी सो बिग आफ्टर दैट फैंडम इंक्रीज कम्प्लीटली फॉर आसिम. सो दिख रहा है ना चीज हम लोग को. एंड सिद्धार्थ तो मीडिया में था ही नहीं. सिद्धार्थ इज अ वेरी प्राइवेट पर्सन, जितना मैं उनको जानती हूँ, उनको फेसबुक वगैरह इंस्टा पे पोस्ट तक नहीं करने आता है. सो ही इज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. एंड उनका जिस दिन उन्होंने बिग बॉस में एंट्री करी, उस दिन उनका अकाउंट इंस्टाग्राम पे उनके पीआर ने बनाया था, एंड दैट ऑल्सो हैड अराउंड 20-25,000 फॉलोअर्स ओनली, एंड वो धीरे धीरे इंक्रीज होता गया. सो वो पैसे किसको दे रहे थे मुझे तो नहीं पता. मुझे बोला जाता कि तुम्हें पैसे दिए गए यार, किसी ने दिए ही नहीं मुझे, दे दो फिर. आप पैसे लेकर प्रमोट करके ट्रेंड नहीं कर सकते. अगर कोई पैशनेटली शो देख रहा है, फॉलो कर रहा है, उसको पता है यू नो क्या क्या रिएक्शन है, किस पर्टिकुलर सेंटीमेंट पे क्या बोलना है, इतनी सारी एवीज,
एंड द पॉइंट इज आई थिंक हाउ वी कैन कंक्लूड दिस डिस्कशन इज कि अगर वो होता है ना अंगूर खट्टे होते हैं exactly. अब क्या, अब इसका बहुत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत तो exactly. भाई कितना भी बच लो अंगूर जितने भी खट्टे हो खट्टे I'm liking this version. मुहावरा ऐड कर दिया. अच्छा मुझे यार वो एक्चुअली रियलिटी शो ऐसे ही ना, यू नो अगर आपको टीआरपीस कैसे मिलेंगे जब आप यू नो लोगों को वो ना जैसे रामायण सभी हुई ना जब मंथरा ने कुछ किया बोला रामायण क्यों ट्रू ट्रू द एग्जैक्टली एवरी शो नीड द मंथरा एवरी शो नीड द मंथरा एवरी शो नीड द हीरो एंड पारस मंथरा है हां दोनों भाइयों में टकराव करवा दिया वैसे ही मिलते हैं इफ यू सी रावण एंड दुर्योधन उसको रोल्स भी ऐसे ही मिलते हैं बिकॉज़ ही नेवर रिस्पेक्टेड वुमेन ना तो रावण नेवर रिस्पेक्टेड वुमेन दुर्योधन नेवर रिस्पेक्टेड वुमेन नहीं रिस्पेक्ट का भी लेवल देखो ना मतलब पहले हफ्ते में वो पपियां मांग रहा था मतलब पपियों की कमी है क्या लाइफ में मतलब कि पपी शो में जाके पपी चाहिए हिला के दे देना चाहिए था उसको पपी नहीं सलमान डेड रोस्ट हिम ऑन दिस भाई कितने कैलोरी गेन ऑल बट आई थिंक ही डिडंट गेट द मैसेज एंड वो होता है ना शो में आप पहले तो चढ़ा देते हो लोगों की पर भी तो बहुत चढ़ाया गया बिग बॉस 12 में बहुत चढ़ाया गया बट देन एट द एंड ऑफ इट यू नो शी अंडरस्टूड कि एक्चुअली टीआरपी शो को दे दिया आपने बट योर वैल्यू आउटसाइड व्हाट हैव यू डन टू योरसेल्फ तो आप And शो exactly, को अगर देखा जाए पहले वीक में और पहले दो वीक्स में पारस वॉज एट दिस लेवल एंड फिर पारस जो गिरना स्टार्ट हुआ है उसने जो दो हफ्ते में बहुत अपना गेम दिखा दिया उसके बाद सिड ही सिड दिखा है फ्रॉम दैट टास्क ऑफ मटका वाला टास्क टिल द लास्ट इट वॉज ओनली सिड इन द एंटायर शो एंड आसिम एंड शहनाज ऑब्वियसली नहीं बट एक और चीज है ना जैसे पारस ने ये बोला इसके बारे में शहनाज के बारे में तो पैसे वैसे दे रही है तो उसने पैसे दिए यार मैं ये पूछ रहा था कि तुम्हें क्या लगता है वो अपनी एक्स के पैसे देगा हाँ एग्जैक्टली exactly. मैं कहूँ ये मुंशी प्रेमचंद जो बन के घूम रहे हैं सबके कि इसका पैसा इधर जा रहा है उधर किसका जा रहा है सो बेसिकली हमने डिजाइनर्स के तो पैसे रो रो के दिए बेचारी 12th पास करके उन्होंने अभी ग्रेजुएशन कर रही है वो लड़कियां उनके तो रो रो के तुमने पैसे दिए और आकांक्षा अगर अकाउंट्स निकाल के बैठ जाए आपके मुंशी प्रेमचंद तो आपको तो पता नहीं कितने देने हैं और उसके बाद सारा को भी बुला लेते और पवित्रा को भी बुला लेते तो इनका तो पूरे भांडा वहीं फूट जाएगा एंड द वर्स्ट पार्ट देन ही शोड द टैटू तेरी वाली मेरी वाली मेरी वाली तेरी वाली व्हाट द हेल वाज ही डूइंग अगर मैं होती मैं अंदर थप्पड़ तो जोर से उसको लगा के आती यार मुझे लगता है कि आपका एक दिन के लिए भी रिलेशनशिप होना किसी लड़की के साथ तो उसके बारे में यार चुप रहो सिद्धार्थ आई लाइक सिद्धार्थ फॉर दैट रीजन कि सिद्धार्थ ने अपने किसी भी रिलेशनशिप के बारे का फायदा नहीं उठाया उसको गेम में नहीं लेकर आया उसने गेम को गेम तक रखा वो बाहर स्पेशली किसी भी लड़की के लिए उसने कुछ नहीं अंदर बोला अपनी किसी भी रिलेशनशिप सिद्धार्थ इज नोन फॉर रिलेशनशिप आई नो दैट यू नो ही हैड अ गॉड ही इज लाइक अक्षय कुमार ऑफ टीवी बट ही इज अ जेंटलमैन हां ही डिड से अ वर्ड अबाउट एनीवन ही नॉट अपनी अपनी आपकी यार आपकी एक दिन के आपके दोस्त कोई है मतलब गर्लफ्रेंड छोड़ो आपका तो कोई दोस्त है ना पहले गर्लफ्रेंड से पहले आपकी वाइफ से पहले आपका दोस्त होता है इंसान अपने दोस्त के बारे में आप क्यों ऐसे सोशल मीडिया पे और क्यों सब जगह बोलना चाहते हैं व्हाई यू वांट टू हर्ट समबडी एंड देयर वाज अ मोमेंट वेयर सिद्धार्थ टॉक्ड अबाउट प्रत्युषा इनडायरेक्टली एंड इट वाज लाइक इट वाज टचिंग यू नो काइंड ऑफ कि ये बंदा कितना पर्टिकुलर है अपने दोस्तों के लिए प्रत्युषा वाज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन एज वेल So this was the reason I knew most of the things about Siddharth and I always supported him. Because अगर प्रत्युषा होती तो वो भी इतना ही सपोर्ट होती वो तो धो धो के मारती लोगों को वो तो अलग ही लेवल की थी सो द पॉइंट इज दैट मेरे को इतना वो टची मोमेंट था दैट ही सेड कि शनास तू अपने आप को कभी हर्ट मत करना सो दिस शोज व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन ही इज I also heard that you know you had you have seen these guys you have heard stories about Rashmi and Siddharth while they were working together do you have any insights upon you know how they were like a co-actor and actress did they See, get along well Siddharth and Rashmi had liking towards each other but wo develop hone mein time lagta hai and Rashmi is very possessive in nature and Siddharth is a person who is a free bird So he could not be caged and then he became close to Jasmine as a friend. So if you notice, Jasmine said ki Shehnaz aur jaisa aur Siddharth ka bonding hai waisa mera hota tha. And Jasmine is a very bubbly person. So I can expect that these two people were having fun. So on the sets and masti and all, so Rashmi used to get
bit jealous about it and she created so much of a conflict. And there was one scene where there was like ki Siddharth ko show se nikalenge ya Rashmi ko nikalenge. So she bhadkao fight Jasmine towards Siddharth and Siddharth left the show on his own choice. He was never removed from the show. So this is very stupid. तुझे show से निकाला गया, तुझे show से निकाला गया. अरे उसने खुद अपनी मर्जी से show छोड़ा and जिस दिन उस बंदे ने show छोड़ा, PRP नीचे गिरने लग गए. So it's very evident who was important for the show. नहीं यार मतलब मुझे तो टीवी का तो हंक ही लगता है, मतलब उसमें तो कोई दो राय है नहीं. अच्छा बट ये भारा के सिद्धार्थ और पारस आपस में बात नहीं कर रहे, उसका रीजन आपका भी वही है जो मेरा है या कुछ अलग है? मेरा रीजन ये है क्योंकि सिद्धार्थ ने अंदर बहुत ही क्लेरिफाई कर दिया था लास्ट वाले टास्क में कि मेरे को यहाँ की चीजें यहीं रख के जानी है, मेरे को बाहर नहीं लेके जाना है, तो खत्म हो गया ना वहां पे तुम्हारा साथ दे दिया. देन पारस लाइव में आके बोल रहा है सिद्धार्थ तो मेरे बीच में कुछ भी खराब नहीं है, मेरे पास उसका नंबर नहीं था, इसलिए नंबर नहीं था मतलब तुम बात नहीं कर रहे हो ना, अगर नंबर होता तो तुम बात कर रहे होते. लॉजिक ही नहीं है बंदे के अंदर, दिमाग कहाँ है सब घुटनों में. वर्षा सो यू टॉक्ड अबाउट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि जब जेल में सिद्धार्थ ने किया था यू नो लाइक पे बैक किया था, सो दैट्स द माइंड ऑफ दैट गाय, यू नो ही डिड, उसने पे बैक वहीं कर दिया. बट उसके बाद ना होता क्या है, when Siddharth came out, Siddharth is that kind of a person जो जिसने Siddharth को सपोर्ट किया अच्छे लेवल पे, चाहे वो बिंदु हो, चाहे वो यू नो हर्ड हो, चाहे कोई भी और हैंडल हो, जिनसे ऑफकोर्स मेरी नहीं बनती, बट आई स्टिल से कोई भी आपको सपोर्ट करता है ऑल आउट जाके, तो यार बाहर निकल के एक थोड़ा पर्सनल टच से उसको हाँ थैंक यू तो बोल दो. सिद्धार्थ ने किया सबके साथ, तो मेरे साथ भी किया है, मैंने जिम में उसको बोला एंड सिद्धार्थ मैंने बोला मैंने ना इंटरव्यूज दिए थे बिकॉज आई हैड अ इशू विद दिस थिंग रश्मि एंड एवरीथिंग एंड ही सेड मी थैंक यू एंड एवरी टाइम व्हेनेवर आई यूज्ड टू मीट इन जिम एंड आई यूज्ड टू स्माइल एट हिम एंड ही यूज्ड टू स्माइल बैक एंड एक दिन वो ग्रे शॉर्ट्स पहन के आता, मैंने अगेन दोस ग्रे शॉर्ट्स कर, दीज आर नॉट दोस वंस. सो इट इज ही इज अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, ही टॉक्स टू पीपल हुम सो एवर ही हैज बीन लाइक उनको पता है कौन उनको सपोर्ट कर रहा है. अब सिद्धार्थ ने जब बाहर आके बात करी होगी तो ऑफकोर्स ही वुड हैव गॉट टू नो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट तब हुआ था जब पारस ने जाके देवोलीना को, पूरा सीन मेरे को अच्छे ढंग से याद है, बेड पे जाके देवोलीना को बताया था कि रिहैब में था, इसका ड्राइवर मेरा ड्राइवर है. यार ये सोशल मीडिया पे आपको बोलने की क्या जरूरत थी? पहली बार वो ड्राइवर उसका नहीं है, वो गाड़ी उसकी नहीं है, वो आकांक्षा पुरी के, तो अपनी क्यों बता रहे भिखारी का काम. एग्जैक्टली द थिंग इज वो भी सेकंड हैंड है, वो भी उधार पे लेके आया था, जिससे लेके आया था उसके भी पैसे नहीं दिए आज तक, उसका भी नंबर है मेरे पास. What happened was he was staying with a guy and that guy said I will not give you my car today, I have to go somewhere. He got angry, he went and snapped at that guy, he went and bought a car, second hand car on installment and he came back with a car. So this is the scene which I knew completely. And Akansha ko bahut sari baatein nahi malum hai because he has been bitching about Akansha to other people, like uske jitne bhi ladke dost the. And it is so heartbreaking. Bandi wo tumhara support kar rahi thi and you were speaking so much of shit about her. Mereko to Akansha ke upar gussa aa rahi thi. Maine why the hell she is supporting? So it was very sad to see someone to this disgraceful level. Ki tum ek bandi jo tumhare sath itne saalon se aap uske liye stand nahi le pa rahe, uski respect nahi rakh pa rahe, to aap kya duniya ki kisi bhi ladki ki respect? The best is aap kisi ke liye acha nahi bolna chahte, aap bura bhi mat bolo, ignore kar do. But aap relationship mein ho ke kisi ki burai kaise kar sakte ho? Exactly. But what I was saying is that Siddharth ne jab ye suna hoga, especially ye jo scene dekha hoga, to Siddharth would know yaar ki kar kya rahe the, manipulate kar rahe the. And Siddharth exactly. brain and why would Siddharth talk to someone like this? And Siddharth should never talk to someone like this. He doesn't deserve such people. I think he's a very intelligent guy. He's not. Exactly. और मुझे ये भी पक्का पता कि आसिम और सिद्धार्थ जब भी मारेंगे बाद में 100% गारंटी. For sure. That I also want to see. मुझे पक्का पता कि आसिम और सिद्धार्थ जब भी मारेंगे बाद में 100% गारंटी. For sure. Every show needs the mantra. फ्रेंड है उनके साथ फेक स्टोरीज बनवाती है, उन्होंने सिद्धार्थ के केस में भी यही किया है. अगेन शो में उसने कुछ नहीं बोला किसी लड़के के लिए. गुंगा ही रहता है यार, कुछ नहीं बोलता है. अगर आप एक मीटू जैसी मूवमेंट को एक तरह से डिग्रेड कर रहे हो ये बोल के कि मेरे तो मुंह से निकल गया. That time also she said she is obsessed with potty. दिन में 50 बार तो वो पॉटी पॉटी बोलती है. डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो सकता है.